Hey, what's up guys and thanks for watching my videos again. तो क्या दोस्तों आप भी आपका फोन का नोटिफिकेशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आप जब भी फोन के ऊपर कुछ काम करते हैं या फिर बहुत एक अच्छा एक मूवीज देखते हैं, ठीक उसी समय कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, जैसे अभी एक आया है। तो इस तरह का नोटिफिकेशन को लेके अगर आप परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले इस वीडियो में कि कैसे हम लोग अपना फोन का नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना इंटेंशन और प्राइवेसी दोनों बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं इंट्रो के उस पार। तो दोस्तों हम लोग नोटिफिकेशन हैंडल करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग ढूंढ लीजिए कहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। जैसे मेरा फ़ोन में यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे आया तो साउंड एंड वाइब्रेशन के नीचे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद हम लोग के सामने एक ऐसा इंटरफेस खोल के आ गया जहाँ पर लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन एंड बैजेस। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा किसका क्या काम है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग हमारा नोटिफिकेशन का प्राइवेसी को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मतलब जब भी आप लोग देखें कि व्हाट्सएप से मैसेज आता है, कौन मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है, वो स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता है। इससे सभी को पता चल जाता है कौन मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता हो वो। तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। उसको बंद करने के लिए हम लोग बस ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है कौन सा ऐप का फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहते हैं, किसका खुला रखना चाहते हैं। तो मैं जो जो नोटिफिकेशन जिस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन अनअलाउ करके रखा हो तो उसका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बंद है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग भी आपका नोटिफिकेशन या फिर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को हैंडल कर सकते हैं और आपका प्राइवेसी को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। तो जब तक आप ऊपर से स्क्रॉल करके स्टेटस बार को नीचे नहीं लाएंगे तब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह आप आपका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आप लोग सीख लिए हैं तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी बैक में और उसके बाद हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन एंड बैजेस। ये नोटिफिकेशन एंड बैजेस क्या होता है आप लोग देखे होंगे कि अगर जब भी व्हाट्सएप मैसेंजर या फेसबुक में कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो एप्लीकेशन के ऊपर टॉप राइट साइड में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। मतलब अगर कोई भी देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हमारा व्हाट्सएप में मैसेज आया है, फेसबुक में मैसेज आया है, मैसेंजर में मैसेज आया है, चाहे भी कोई भी एप्लीकेशन हो उसका उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन कुछ आया है। तो उसको बंद करने के लिए आप लोग यहाँ से जो भी ऐप्स को अनट अलाउ कर देंगे उसका नोटिफिकेशन बैजेस हट जाएगा। मतलब कोई अगर देखेगा भी उसको समझ में नहीं आएगा कि किस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक लाइव डेमो दे रहा हूँ, देखिए मेरा एक नोटिफिकेशन आया है लेकिन आपको पता नहीं चला है। देखिए ऊपर में जो 3 डॉट्स है देख सकते हैं आप लोग, उसका मतलब है मेरा नोटिफिकेशन, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया है। तो मैं अभी आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन नहीं आया। तो देखिए स्क्रॉल करके नीचे लाया तो देखिए मेरा जीमेल आईडी से मैसेज आया है, bankbazaar.com से मैसेज आया है। तो देखिए दोस्तों अभी उसको कट कर दिया हो तो यहाँ पर वो 3 डॉट्स और नहीं है। तो इसी तरह आप लोग भी आपका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, जब हमारा फ़ोन लॉक रहता है तब भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है फ़ोन में तो वो दिखाई देता है। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कौन सा कौन कौन एप्लीकेशन का लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन आएगा और कौन कौन एप्लीकेशन का नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे उसको। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग अपना नोटिफिकेशन को हैंडल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और आपका प्राइवेसी को भी खुद में ही रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग पॉपअप नोटिफिकेशन या फिर जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है उसको बंद कर लिए हैं, उसको बंद करना सीख गए हैं। जो एप्लीकेशन बैजेस है, नोटिफिकेशन बैज जिसको कहते हैं, वो भी कैसे हटाया जाता है वो सीख लिया हो। लेकिन अब भी जब भी हम लोगों का फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये स्टेटस बार इस जगह पर
उस एप्लीकेशन का आइकॉन जरूर रहेगा या फिर रहता है जब भी कोई नोटिफिकेशन या फिर मैसेज हमारे फोन में आता है। तो उस आइकॉन को हटाने के लिए कि जब भी कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आएगा कोई भी एप्लीकेशन से, ये स्टेटस बार इस जगह पर आइकॉन रहता है, उस आइकॉन को हम लोग कैसे हटाएंगे स्टेटस बार से, वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर, और सेटिंग्स में जाने के बाद फिर से और एक बार हम लोग आ जाएंगे नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन शेड। तो हम लोग नोटिफिकेशन शेड के ऊपर चले जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं एकदम नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कर लेंगे और एकदम स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए, शो नोटिफिकेशन आइकॉन्स, जो अभी मेरा बंद है। मतलब जिस भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगा उसका साइन दिखाई देगा ऊपर में। जैसे देखिए मैं इसको ऑन किया तो देखिए मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, मेरा अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसका आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है। तो उसी तरह व्हाट्सएप से मैसेज आएगा तो भी दिखेगा, फेसबुक से आएगा तो भी दिखेगा। तो चलिए इसको फिर से हम लोग बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह आप भी आपका फ़ोन का नोटिफिकेशन को हैंडल कर सकते हैं और अपना प्राइवेसी को भी खुद में ही रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और बहुत कुछ सीखे। तो इसी तरह हम लोग के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।